मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सुंदरनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति से भलीभांति अवगत है और इस महामारी को फिर से फैलने से रोकने के लिए अवश्य कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी में कोविड के लिए अब तक 1,25,811 नमूनों की जाँच की गयी है, जिनमें 10,381 मामले पॉजिटिव पाए गए। इनमें 10,197 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 129 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक सैंपल पॉजिटिविटी दर 8.25% और मृत्यु दर 1.24% है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिले में कोविड-19 मरीजों के लिए 583 बिस्तरों की क्षमता है, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में 150 बिस्तर शामिल है। अब तक कोविड वैक्सीन की 69,483 खुराकें दी जा चुकी हैं। कोविड-19 संबंधी जैसे N95 मास्क, 3 परत वाले मास्क, इंफ्रारेड थर्मामीटर प्लस ऑक्सीमीटर व हैंड सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेरचौक में प्रीफैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल के निर्माण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और 15 अप्रैल के उपरांत इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण करने वाले जिलों में मंडी शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अब तक 37,949 वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से हाल ही में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया, ताकि कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करने का भी आग्रह किया। PLTV के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।